खबर रायपुर से आपको दिखा दें, जहां पर भाटा गांव में युवक की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। एक नाबालिग समेत एक युवक ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मृतक आरोपी की कई बार पिटाई भी कर चुका था, शराब भट्टी पर कई बार पैसे और शराब छीनकर पिटाई कर चुका था। नाराज आरोपी युवक ने नाबालिग को दी थी सुपारी, शराब पिलाने का वादा कर हत्या की सुपारी दी थी। होली के दिन मोहित सोनकर का शव मिला था। पुलिस जल्दी ही इस मामले का खुलासा और भी डिटेल में करेगी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़े, उनसे बात करते हैं। तहसीन, भाटा गांव इलाके में शव मिला था और उसके बाद में आज इस मामले का खुलासा हुआ है, क्या जानकारी दे रही है पुलिस? जी, इसमें एक सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है, इसमें आरोपी नारायण साहू उर्फ गोलू ने नाबालिग को 10,000 रुपए नगद की सुपारी दी थी हत्या करने की, उसके एवज में ये हत्या नाबालिग ने की है। और इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि नारायण साहू आरोपी और नाबालिग ने मिलकर इस बात का तहसीन जी मोबाइल से आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। जी देखिए, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये आरोपी जो नारायण साहू और गोलू है, ये इसके द्वारा 10,000 रुपए की नकदी की जो सुपारी दी गई थी, जो 16 साल का जो आरोपी नाबालिग गिरफ्तार हुआ है। और इसमें ये बात सामने आई कि ये जो मृतक है मोहित सोनकर, ये इसको नारायण साहू और गोलू को पहले, क्योंकि वो शराब भट्टी में काम करता था मृतक, उसको पहले मारपीट करता था, उससे पैसे छीन लेता था, कभी कभी उसकी जो शराब देने जाता था उसको ले लेता था। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसमें ये नाबालिग है और तू हत्या करेगा तो तेरे को सजा भी कम होगी और तेरी जमानत भी मैं करा लूंगा, और उसके एवज में, हत्या करने के एवज में 10,000 रुपए की उसने नकदी उसको दिया भी, ये आरोपी नारायण साहू गोलू ने। उसके बाद ये घटना दिनांक को जब ये रात में जब होली जल दहन होने वाला था, तो उसके रात में ये इसको पहले तलाशे और नहीं मिला, उसके बाद अल सुबह ये इसको वहीं सोनकर बाड़ी के पास में मृतक मिला है नाबालिग को, जो 16 साल का है, और उसने पहले उसको 5 चाकू पीछे से वार किए हैं और जब वो गिर गया है तो 7 चाकू उसके सीने पे वार किए हैं, उस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा है। यहाँ बता दें कि 16 साल का ये जो आरोपी है इसमें नाबालिग, वो 10वीं की परीक्षा दिया है अभी जो खत्म हुई है। तो कुल मिला के अभी दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नारायण साहू गोलू को और जो 16 साल का नाबालिग है उसको, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी खुलासा यहाँ पे सामने आया है कि 10,000 रुपए को लेके नाबालिग से हत्या यहाँ पे करवाई गई है, और देर शाम तक पुलिस जो है वो इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी जी तहसीन, बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी जो आपने दी उसके लिए। तो भाटा गांव इलाके में शव बरामद किया गया था और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नाबालिग है जिसे सुपारी दी गई थी बकायदा इस हत्या को करने के लिए, और उस नाबालिग ने ही चाकुओं से गोदकर हत्या की।